आज सुबह सुबह निकल पड़ी हूँ घूमने के लिए। कहाँ पर, चलिए देखते हैं। जी, गंगा के घाट पर। ये मेरा सबसे फेवरेट जगह है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं यहाँ पर आके ज़रूर बैठती हूँ। तो अभी तो ये सुबह सुबह है लेकिन धूप थोड़ी ज़्यादा है। सुबह 6:30 बजे होंगे तो 6:30 के उसमें भी धूप काफ़ी निकल गई है। पर अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी अच्छी धूप निकली है इतने दिनों के बाद। एक्चुअली ये धूप देखकर भी मेरा, मतलब क्लियर वेदर देखकर भी मेरा मन कर गया। और यहाँ देखिए इस तरफ कितनी शूटिंग चल रही है। अभी एक्चुअली दुर्गा पूजा आने वाली है ना, तो दुर्गा पूजा से पहले माहौल है। और यहाँ पर ये सारे लड़कियाँ सज धज करके माँ दुर्गा बनती हैं। और ये सारे घाट, मतलब कोलकाता के आसपास जितने भी घाट है यहाँ पर इनकी शूटिंग वगैरह चलती है, डिफरेंट डिफरेंट पोज में एकदम मेकअप वेकअप लगा करके और फोटोग्राफर्स साथ में लेकर के। ये इंटरनेट अभी पूरा ओवरफ्लो हुआ होगा माँ दुर्गा के ऐसे पिक्चर्स से। जीती जागती माँ दुर्गाएं। इस साल मैं नहीं कर पाई, मेरा ये मैं भी करती हूँ तो इस साल, पिछले साल भी नहीं कर पाई थी, इस साल भी नहीं हुआ। होपफुली सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट ईयर जरूर मैं भी करूंगी आगुमोनी शूट। प्रियांशु को लगी है भूख यहाँ बैठे बैठे। मैंने उसको सिर्फ सुबह सुबह उठाया, ब्रश करवाया और कहा कि जाना है, मैं जा रही हूँ। तो उसको तो है ही कि मम्मी जहाँ जा रही है उसको वहीं जाना है मम्मी के साथ साथ। तो कुछ खाए पिए बिना वो चला आया। गंगा के घाट से घूमकर बैठकर टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ वहाँ से थोड़ा सा ही ये पास में ही है जहाँ पर मूर्तियाँ बनती है। इस जगह को कुमार टुली बोलते हैं। कोलकाता वाले तो सब जानते होंगे, कोलकाता वाले क्यों, वेस्ट बंगाल, जो बंगालीज कोलकाता के बाहर रहते हैं उन सबको पता है ये जगह मूर्तियों के लिए फेमस है। यहाँ पर हर सीजन में हर एक पूजा का मूर्ति यहाँ पर तैयार होता है। आप पहले से ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हो या तो एकदम बना बनाया रेडीमेड भी खरीद सकते हो। हमारा गनू बाबा जो हुआ अभी पिछले दिनों गणेश पूजा, उसकी मूर्ति भी मैं यहाँ कुमार टोली से ले गई। ये देखो एक मूर्ति जा रही है किसी के घर में। काफ़ी सारी मूर्तिज इनकम्प्लीट भी हैं, ये अभी दिन रात ये कारीगर सारे काम कर रहे हैं, फटाफट कर देंगे, पूजा से पहले सब रेडी कर देंगे। ये भी कितना सुंदर है, देख करके ताता ही तो बहाना कर रहा था कि उसको भी एक मूर्ति घर ले जाना है, तो पॉसिबल नहीं है। घर वापस आ गई हूँ मैं अब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी संडे। और कैसे हैं आप सभी? आज संडे है और आज है एकदम रिलैक्स वाला दिन, छुट्टी वाला दिन। लेकिन हाउस वाइफ्स का छुट्टी होता नहीं है, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और कल तो मैथ्स का एग्जाम है, तो छुट्टी का कुछ भी नहीं है। और बताइए कैसे हैं आप सभी? मैं तो ठीक ठाक ही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज, मतलब आज नहीं, दो पिछले दो दिनों से बारिश बंद हो चुका है और बहुत अच्छा ब्राइट सनी डे है। मैं दिखाती हूँ एक बार, एक झलक सिर्फ धूप का, कितनी अच्छी मस्त धूप निकली है, कितनी चमचमाती हुई मस्त धूप निकली है। और इतने दिनों से बारिश खा के, बारिश का पानी पी करके मेरा ये तुलसी का पौधा कितना हरा भरा हो गया है। और पता नहीं इतने सारे पौधे कैसे हो गए हैं। ये एलोवेरा भी जो ऑलमोस्ट प्राण त्याग चुका था, ये भी कितना अच्छा सा हो गया, बहुत सारे इसके मतलब पत्ते निकल आए हैं। और ये एक पता नहीं ये कौन सा बीच में से। सबसे ज़्यादा बारिश में परेशानी होता है मेरे यहाँ पर कि मेरा छत बहुत ज़्यादा छोटा है और ऊपर से ढका हुआ भी है, तो धूप वैसे ही नहीं आती है ज़्यादा यहाँ पर। और बारिश हो जाए तो कपड़े सुखाने में, मतलब पिछले 15-20 दिनों से जो बारिश हुआ है, और कम से कम भी इतने कपड़े 100-150 कपड़े तो मेरे जमा हो गए होंगे धुलने वाले। तो अब लास्ट दो दिनों से इतनी मस्त धूप निकल रही है तो सिर्फ क्लीनिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग यही चल रहा है। तो छत में चारों तरफ कपड़े कपड़े हैं। एनीवेज अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और सुबह, आज का सुबह मतलब संडे मॉर्निंग बहुत अच्छा मेरा स्टार्ट हुआ। मैं गई थी थोड़ा सा बाहर, मैंने आपको दिखाया भी, आप देख ही चुके हो
कि कैसे मूर्तियां वगैरह तैयार हो रही है और बस गिनती के कुछ दिन बचे हैं। 6 तारीख को महालय है, मतलब उस दिन से देवी पक्ष शुरू हो जाएगा। तो जो बंगाली है दे कैन रिलेट मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो हम बंगालीज में ना ये एक दुर्गा पूजा का क्रेज तो है ही, हम पागलों की तरह इस फेस्टिवल का इंतजार करते हैं। और ये जो मतलब ये जो एक फीलिंग है ना कि पूजा आने वाला है, ये एक अलग है। आता है तो फिर तो मतलब एक दो दिन, मतलब कैसे 5 दिन निकल जाते हैं फटाफट पता ही नहीं चलता है, बट ये आने वाला पहले वाला वाइब्स ज्यादा मजा देता है। और शॉपिंग मेरा तो अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इस बार मैंने ऑनलाइन भी कुछ अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि एक तो बारिश ने मूड ऑफ करके रखा था, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर रखा था। बारिश बंद है लेकिन एग्जाम्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स चल रहा है, तो रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। मैं छोड़ के मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। तो देखते हैं अभी कुछ दिन और एग्जाम चलेंगे, उसके बाद शॉपिंग पता नहीं कितना हो पाएगा क्या हो पाएगा, पर कोई नहीं, शॉपिंग हो चाहे ना हो, पूजा में तो मजा करना ही है। और अभी जो मैं करूंगी, सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आज बनाऊंगी कैबेज की सब्जी और पूरी सुबह सुबह, और उसके साथ मिठाई। तो पहले नाश्ता, उसके बाद आज मैं थोड़ा सा, मतलब पूजा आने वाला है ना, तो वो थोड़ा सा स्किन केयर हेयर केयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी से करूंगी तो 10 दिन तक एकदम चमक जाएगा, ये जो काली पड़ चुका है ये चमक जाएगा। तो उसके लिए आज से मैं स्टार्ट करूंगी मेरा स्किन केयर हेयर केयर रूटीन, और आपके साथ तो शेयर ऑब्वियसली करूंगी, क्योंकि अब तो YouTube पे शेयर करना, ब्लॉगिंग करना इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। कम कर पाती हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती हूँ, बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो एग्जाम से एक बार ख़त्म हो जाए तो पूजा में आई हैव प्लान्ड समथिंग कि अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कोलकाता का पूजा भी शेयर करूँगी, देखते हैं कहाँ तक कितना सब हो पाता है। तो अब बात बंद और मैं सीधा किचन में जा रही हूँ, जा कर के कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। पूरी का आटा यहाँ पर लग चुका है और यहाँ पर इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको जस्ट एक बार अच्छे से बॉईल हो जाएगा, ये पानी फेंकने के बाद इसकी सब्जी बनेगी। हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। मेरा तो कल मैथ्स का एग्जाम है, मैं पागल हो जा रही हूँ ऑलमोस्ट, आई एम लूजिंग माय ब्रेन सेल्स। बट ये बारिश बंद होने के खुशी में ना मम्मी इतनी खुश है कि मम्मी आज शायद, हाँ, बहुत सुबह को मम्मी निकली थी, घूम घाम के आई हुई है। अभी मम्मी ब्रेकफास्ट कर रही है, ये देखिए मैं मिल चुकी हूँ उनसे। मुझे बहुत भूख लग गई है क्योंकि मैं इसके डाइट पर हूँ और मेरा टाइम हो गया है खाने का, तो उनका खाना बन रहा है तब तक मैं अपना खा लेती हूँ। खा लो, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम क्लियर है आसमान, सुंदर लगता है ना ये मम्मी वैसे। दिस इज कॉल्ड शारो, दिस इज कॉल्ड शारोदे आकाश इन बंगाली। ये पूजा के आने से पहले ना आसमान ऐसे ही पूरा सफेद सफेद बादल और ब्लू हुआ रहता है, तो दुर्गा माँ आ रही है तो हाँ, वो तो स्पेशल तो होना ही है। हाँ। अभी बेलना स्टार्ट नहीं किया,
इतनी जोर से भूख लग गई है क्या? मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है। क्या इन लोग को भूख लगी है? इसको भूख लगी है। पहला पहला वाला ना फूलना चाहिए। जय माता दी का नाम लेके। जय माता दी। नहीं फूला तो नाप कट जाएगी। फूल गया। देखा ये बिल्कुल मेरे जैसा हो गया फूल के। आप फूल लूची से कम नहीं। ये फूल के लूची के जैसा हो गया है। ये तो लूची तो है। ये पूरी है। पूरी बंगाली में तो लूची बोलता है ना। हाँ बहुत दिनों से ना हम लोगों ने बंगाली ब्लॉग नहीं बनाया है, तो बनाओ बंगाली ब्लॉग। दुर्गा पूजा का जो स्पेशल होगा ना, आई एम थिंकिंग सारे ब्लॉग में बंगाली में बनाऊंगी। तो दुर्गा पूजा तो आज इनको समझ नहीं आएगा फिर वो क्या करेंगे। सब टाइटल्स कौन देगा? टाइम कहाँ है? इतना एडिटिंग का टाइम कहाँ है? अरे सीसी का ये तो वहाँ पे रहता है ना आइकन। अच्छा मैं कोरियन कैसे देखती हूँ वीडियो सबटाइटल्स ऑन करके। समझ में तो आता नहीं है, आधा समझ में नहीं आता है, बट आधा कुछ देखिए। दूसरा वाला भी फूल गया। ब्रेकफास्ट के बाद अब है सेल्फ केयर की बारी। मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि तेल वेल लग जाता, तो इस वक्त मैं लगा रही हूँ तेल। मतलब मेरी मासी मुझे जो हेल्प करती हैं, वो दीदी मुझे लगा करके दे रही है तेल। मैंने उनको सिखा दिया अच्छे से चंपी कैसे करते हैं। तो मैं तो जैसे सरसों का तेल लगाती हूँ सर पे, कोई भी लगा लो, तेल लगाना ज़रूरी है चाहे कोई भी हो। सो आफ्टर हेयर केयर नाउ इट्स टाइम फॉर फेस केयर। और फेस केयर के लिए मैं लगा रही हूँ एक पैक कम स्क्रब। कस्तूरी मंजल है इसमें, मतलब कि अम्बा हल्दी और चंदन है, और इसमें है मुल्तानी मिट्टी। पैक की तरह लगा करके 10 मिनट रखूंगी, स्क्रब करके धो लूंगी। दोस्तों अभी रात के बज चुके हैं 8:30, और दोपहर के बाद से ज़्यादा ब्लॉगिंग मेरी हुई नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में भी बिजी हो गई थी। उसके बाद थोड़ा सा खुद एक दूसरा शूट भी था, तो वो सब करते करते अभी रात के 7:30 हैं। तो मेरा एक शूट कंप्लीट हो गया है, एक बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा वो ब्लॉग भी, और वो शूट के लिए ये गेटअप है। तो अभी मैं चेंज कर चुकी हूँ और ये सब थोड़ी देर बाद साफ करूँगी। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो अभी चाय तो मैंने शाम को पिया था, कुछ खाने को मन कर रहा है। तो देखती हूँ कुछ, पहले मैं कुछ खाने की बंदोबस्त करती हूँ। मुझे बहुत सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी है। शाम को जो इस टाइम पे भूख लगती है ना, वो मतलब अगर कुछ हैवी कुछ उटपटांग खाना खा लिया तो इस वक्त तो उसके बाद और डिनर का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे स्प्राउट्स बना करके रख देती हूँ उसको। मतलब ऐसे इस वक्त जैसे भूख लगती है तो उसमें मैं खीरा टमाटर चाट मसाला ये सब डाल करके एक मिक्सचर जैसा बना करके वो खा लेती हूँ। पेट भी भर जाता है, हेल्दी तो ऑब्वियसली होता ही है। तो मेरा ये बन गया है, रेडी हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखने से कितना टेम्पटिंग लगता है। उसमें नींबू का रस डाल करके निचोड़ के, इट्स यम। ये है, इसमें मूंग है और खीरा टमाटर और हरी मिर्च, उसके साथ नींबू का रस और पिंक सॉल्ट है, और थोड़ा सा चाट मसाला है। ज़्यादा खट्टा भी मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता है। अभी एक बार खाना खा लेती हूँ उसके, मतलब ये स्नैक्स खा लेती हूँ। उसके बाद मेरी साड़ी वगैरह भी सब यहीं पर पड़ी हुई है, ये सब को भी समेटना है, ठीक से रखना है, और उसके बाद मुंह भी साफ़ करना है। अच्छे से मेकअप करने के बाद ना मुझे मतलब ये लुक बहुत पसंद आ रहा है, तो इतनी जल्दी करो मेकअप उसके बाद फिर फटाफट मेकअप उतार दो तो अच्छा नहीं लगता है। तो घर में ही बैठी हूँ, कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो मैं सोचूं कि अभी थोड़ी देर ऐसे रहने दो और मैं रील्स वगैरह बना लेती हूँ इस लुक पे, उसके बाद मैं चेंज करूँगी, मतलब साफ करूँगी मुंह को। ये महाशय रात के अभी 10:30 बजने वाले हैं, इनको भूख लगी है और इनको आ रहा है शायद से फीवर। क्यों आ रहा है फीवर? और नहाओ ठंडे पानी से, 2 घंटे तक बाथरूम में आराम से बैठ करके इतना मना करने के बाद भी, और ये अपना खाना भी लेकर के आ गया है अभी रात का कुछ। हाँ मैं खिला दूंगी रात को, और कुछ नहीं बनाया, सिर्फ रोटी बनाई है, और दोपहर को चिकन था उसी से काम चल जा रहा है, काफ़ी सारा ही रह गया है।
तो अभी इनकी तो तबीयत खराब हो रही है, इसको छींके भी आ रही है। तो पता नहीं, अभी काफी दिनों तक बारिश का मौसम था, उसके बाद अचानक से भी बहुत धूप, और इसको नहाने घुसता है तो कम से कम भी 2 घंटे तो इसको लगते हैं। ठंडा पानी सर पे डालता रहता है, डालता रहता है। 1000 बार मना करो पर सुनने वाला तो ये बंदा है नहीं। तो ठीक है, मैं इसको खिलाती हूँ और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। मैंने मेकअप वेकअप सब रिमूव कर लिया है और नींद भी मुझे भी बहुत तेज़ आई है। आंखें मेरी रेड हो गई है नींद की वजह से, क्योंकि आज सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठी थी मैं। तो एनीवेज, आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है मुझे। आप सभी की मदद से मेरा चैनल ग्रो होगा, तो आप सभी के एक लाइक और सब्सक्रिप्शन की मुझे ज़रूरत है। तो आपसे मैं मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।